ये है Lux Dance India Dance Limelight। इस हफ्ते डांस इंडिया डांस को मिल गए उसके सुपर सिक्स डांसिंग स्टार्स। मास्टर्स के दिल में सुपर सिक्स डांसिंग स्टार्स को पाने की खुशी तो है ही, लेकिन साथ साथ कई और भी बातें हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुपर सिक्स के सुपर थ्री मेरे पास हैं। गर्व की बात महसूस कर रही हूँ। मेरे एक कंटेस्टेंट रह गया, बट मेरा कहना यह है कि भाई जीतने के लिए तो एक ही आदमी चाहिए ना। इस बार मुझे लगता है कि शक्ति आमर अगर जीतते हैं तो ट्रूली वेल डिजर्व्ड है। ये सवाल कभी ना कभी तो उठना ही था कि ऐसा क्यों है कि आपके पास तीन हैं, रेमो सर के पास एक ही है। आई थिंक एज अ डांसर वाइज मेरे कंटेस्टेंट बहुत स्ट्रांग थे, एज अ कनेक्ट वाइज आई थिंक लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हुआ इस बार। तब पर आज कहां बैठा है और वो देखो मौसी को खिल खिला कर हंस रही है। कुछ भी हो सकता है, फैक्टर्स कई हो सकते हैं। कंटेस्टेंट्स की पॉपुलैरिटी, धर्मेश इज वेरी पॉपुलर, धर्मेश इज गिविंग अ लॉट ऑफ फोकस टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। फोकस तो बहुत किया है धर्मेश पे, जो कि नहीं, उनकी उसको जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो ऑडिशन से कनेक्ट हो गया था। देयर मस्ट बी सेवरल रीजंस के एक्ट्स अच्छे हुए, एक्ट्स की वजह से वो कंटेस्टेंट्स पॉपुलर हुए, पॉपुलैरिटी की वजह से उनको वोट्स ज्यादा मिले और वोट्स की वजह से वो अभी तक टिके हुए हैं शो में। आई फील अ लॉट ऑफ टाइम इज गिवन फॉर धर्मेश, थोड़ा फोकस उस पे ज्यादा किया गया। अगर मुझे लगता है कि जेन्युइनली उस बंदे के ऊपर किसी ने कहा कि ये अच्छा नहीं है या जो उसने परफॉर्म किया है वो अच्छा नहीं है, तो मैं सर झुका के मानने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे कंटेस्टेंट को अननेसेसरली कुछ बोला गया है, तो डिफेंड करना भी गुरु का फर्ज ही होता है। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने समझा कि ये कंटेम्प्रेरी है, हालांकि ये है नहीं, इट वॉज फ्री स्टाइल। जहाँ तक प्रॉप का इस्तेमाल है, आई ट्राइड टू डू एज मच एज पॉसिबल, लेकिन अगर आप दिखा दो मुझे कि क्या हम एक्चुअली और कर सकते थे विद इट। इफ यू कंपेयर धर्मेश विद शक्ति एंड पुनीत, दोनों ने कंटेम्प्रेरी इस लेवल पे किया है जो मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। वर्सटैलिटी अगर नहीं देखते हैं तो यस ऑफकोर्स धर्मेश इज वेरी स्ट्रांग, अगर आप वर्सटैलिटी देखते हैं तो फिर आई वुड से कि नहीं, उन दोनों के उतने ही चांसेस हैं जितने धर्मेश के। अननेसेसरी जो कंटेस्टेंट बैशिंग होती है वो शायद इसलिए होती है क्योंकि यू इनसिक्योर अबाउट लूजिंग दैट प्रॉमिस दैट यू मेड टू योर कंटेस्टेंट। मुझे ना ही पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि मैं कि ऐसा ऐसा पॉइंट करूं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ। इमोशनल अत्याचार तो होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं। अब सुपर सिक्स में आने के बाद यही होना चाहिए कि आप टोटैलिटी में देखो कि ये परफॉर्मर किन हदों को पार कर गया है और क्या वो रियली डिजर्व करता है टॉप फोर में आने के लिए। मेरे हिसाब से द टॉप फोर में होने चाहिए शक्ति, अमर, धर्मेश एंड पुनीत। आई थिंक माई थ्री शुड बी इन द टॉप फोर, बाकी जो जनता डिसाइड करेगी उसमें से एक कोई आ जाएगा। नो डाउट दैट शक्ति धर्मेश आर वेरी स्ट्रांग, बट इफ यू आस्क मी पुनीत इज इक्वली स्ट्रांग। शक्ति जहाँ तक आप डांसिंग कहते हैं तो ठीक है, डांसिंग करती है, बहुत अच्छा करती है। धर्मेश एज पॉपुलैरिटी डांस करता है, पॉपुलैरिटी भी बहुत है उसकी, वो भी अच्छा है। पुनीत वर्सटाइल है, जहाँ तक हम लोग डांसिंग स्टार ढूंढते हैं तो वर्सटाइलिटी वहाँ पे मालूम पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता पुनीत ने कोई भी कसर छोड़ी है उसमें। पुनीत आए थे, ये हमने देखा था कि वो शायद कंटेम्प्रेरी में माहिर हैं, लेकिन उनको पसंद हिप हॉप था, तो इन दो स्टाइल्स के अलावा आई हैव नॉट सीन हिम डू एनी अदर देन दैट। सो व्हाई कांट अ बॉय डू क्लासिकल, व्हाई कांट अ बॉय डू फोक, और ये चीज़ें मैंने अभी तक देखी नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब जनता देखेगी तो यही देखेगी कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना ऊपर है, कौन किसने कितना ज़्यादा स्टाइल वैरायटी दिखाया है और कौन एक्चुअली स्टार बनने लायक है। मैं कहूँगा कि ये शक्ति की जीत है विथ हर टैलेंट, कोई इमोशनल स्टोरी ना लेकर, कोई इमोशनल अत्याचार ना लेकर, ऐसा कुछ ना करते, सिर्फ डांस पर उसने जोर दिया है और सिर्फ डांस ही उसका उसकी ज़िंदगी है। आई स्टिल थिंक कि अगर उन्होंने ज़्यादा दिखाया होता अलग स्टाइल्स में कुछ करके, तो मैं समझती हूँ कि I would have thought they are versatile as well.
मैं अब भी समझती हूँ कि शक्ति नीड्स टू शो हर वर्सेटिलिटी. डांसिंग होगा तो शक्ति और पॉपुलैरिटी होगी तो धर्मेश, तो बाकी सारे कंटेस्टेंट क्या करते हैं बेचारे. पुनीत शुड विन सिंपली बिकॉज ही इज वर्सेटाइल, ही इज गॉट दैट ऑल ऑफ स्टार, क्योंकि हम डांसिंग स्टार ढूंढ रहे हैं, डांसर नहीं ढूंढ रहे. कॉम्पिटिशन लेवल पे एट दिस स्टेज इन लाइफ आई एम सॉरी बट मेरे तीन के अलावा मैं और किसी को नहीं देखूंगी. अब मुझे लगता है कि बिनी हैज टू रियली काइंड ऑफ बिल्ड ऑन हर स्ट्रेंथ. अमृता मैं सोचूंगा इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टैलेंटेड परफॉर्मर्स. वे कुंवर इज कंसर्न, कुंवर भी अनट्रेंड है लेकिन जो भी उन्होंने किया अच्छा किया, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं किया. कुंवर को अब उभर के अगर आना है तो उसको एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देना चाहिए जो उनको लगता है कि शक्ति नहीं दे पाती है. I just felt that मेरे बंदों को there was a real challenge. शक्ति को popping, like if शक्ति had taken hip hop, it would have been very easy. But therefore he gave up popping. Now popping is an art form. You have to know how to pop your muscles. So it's the most difficult. अमृत का वो style है करने का. For Bini hip hop वो करती आ रही है auditions में. Lyrical hip hop for Dharmesh उसका style ही ऐसा है. Lyrical hip hop is another word for saying Bollywood hip hop. So the real challenge was for Amar because वो b-boying boy नहीं है. Stunts karna or b-boying is two different things. So to do b-boying was again a challenge. So I would say that popping and b-boying were the two most difficult challenges for this week for my contestants. I would say that mere contestants ko bahut difficult tha this week. Ye sarasar jhoot hai. Aur bahut hi bada jhoot hai ki maine un logon ko aisa style diya jo wo log nahi kar sakte. Agar wo log nahi kar sakte to Shakti itni achhi popping nahi kar sakti thi. कि मैं खड़ा होकर बोलूँ कि दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस. रही बात कुंवर की, बी बॉइंग उसने बहुत पहले भी किया हुआ है, उसने काफ़ी ज़्यादा करके दिखाया है उसने. और रही बात धर्मेश की कि लिरिकल हिप हॉप क्यों दिया जबकि वो ये कर सकता है, तो जैसे मिथुन दा ने कहा कि तुम वही चीज़ करो लेकिन उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाओ, तो मैं देखना चाहता था कि वो एक स्टेप कितना ऊपर लेके जाता है, एक स्टेप ले जाता है या दो स्टेप ले जाता है या दस स्टेप लेके जाता है ऊपर. तो मैं ये देखना चाहता था कि वो कितना स्टेप ऊपर लेके जाता है.